नमस्कार। देश में कोरोना काल ने कुछ ऐसे दृश्य दिखाए हैं जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस वर्ग के बारे में भी ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में सोचा समझा जाता था कि वो बहुत संपन्न रहते हैं आमतौर पर, लेकिन असलियत कुछ और होती है। अभी हाल में एक वीडियो ऐसा देखने को मिला कि कुछ वकील साहिबान जो है वो हमारे कोरोना काल में इतने पीड़ित हो गए कि उनको कुछ राशन पाने के लिए लाइन में लगना पड़ा और वो स्थिति बहुत ही दर्दनाक और अजीबोगरीब थी। आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई है, क्या वजह है कि वकीलों को भी, चाहे वो किसी भी वर्ग के वकील हो, उनको इस स्थिति तक पहुंचना पड़ा है। ये एक ऐसा अध्याय है जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और अगर ये होता हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके हालात के जिम्मेदार कौन है और क्या स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है, इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव अभिजात जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिजात जी, जो आपने हमें इतने व्यस्त समय निकाला अपना। अभिजात जी पिछले 25 वर्षों से यही काम कर रहे हैं, लोगों को देख समझ रहे हैं और उनके हित के लिए भी काम करते रहे। जैसा कि अभिजात जी मैंने कहा कि ऐसी इस वर्ग के बारे में तो हमेशा ये समझा जाता था, अपेक्षाकृत रूप से, कि कमजोर नहीं होगा, और क्योंकि जो लोग हमें दिखते हैं, जो सामने नजर आता है, वो कुछ और होता है, और जब ये स्थिति देखी तो कितनी दर्दनाक थी। आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, मेरा मूल सवाल यही है, और इसके लिए क्या हमारा सिस्टम जिम्मेदार है, हमारा वर्ग जिम्मेदार है, जो आप लोग सब काम करते हैं साथ में, वो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर पाए, क्या वजह थी? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं इस साक्षात्कार के लिए। देखिए, संपन्नता जो है वो तब तक होती है जब तक सुचारू रूप से काम चलता रहता है। कई प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बड़ी लॉ फर्म्स हैं, जिनके पास सेविंग्स और रिजर्व्स काफी होते हैं, और चूंकि वो बड़े हैं और प्रसिद्ध हैं इसलिए उनको काम भी आता रहता है, वीडियो हियरिंग पे भी काम आता रहता है, क्योंकि उनकी मेरे अनुसार रिकॉल वैल्यू बहुत होती है। अब एक क्लाइंट को अगर वकील चाहिए होता है तो, और वो उसकी हैसियत होती है फीस देने की, तो बड़े नाम उसके जहन में इमिडिएटली आ जाते हैं, लेकिन जो सामान्य वकील है उसके लिए अदालत जाना, चार लोगों से मिलना, किसी के रेफरेंस से क्लाइंट आ जाना, कुछ मीटिंग कर लेना, कोई डीड डॉक्यूमेंट बना के कुछ अग्रीमेंट वगैरह बनाना, तो वो जब तक अदालत नहीं जाएगा उसको ये सुचारू रूप का जो सामान्य काम है वो नहीं मिलता है। दूसरा बात ये होती है कि इस समय, एक तो मैं बहुत इस बात की तारीफ करूंगा दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, कि एक भी दिन वीडियो के मार्फत चले, लेकिन एक भी दिन पिछले 1.5 साल से हमने बंद नहीं किया। इतना भी हुआ कि जून के महीने में भी, पिछली बार जब हमारी वार्षिक छुट्टी होती है तो इस बार, पिछली बार कोर्ट ने छुट्टी ली ही नहीं थी और हम काम करते रहे, लेकिन जो रोजमर्रा के मुकदमे हैं, जो सामान्य वकील जिनसे रोजमर्रा की उसकी आय का साधन होता है, वो नहीं लिए जा रहे वीडियो के मार्फत, वो पॉसिबल नहीं है, तो खाली अर्जेंट केसेस लिए जा रहे हैं। और चूंकि रोजमर्रा के जो मुकदमे जिससे वकील की आमदनी चलती रहती थी सुचारू रूप से, वो नहीं लिए जा रहे, तो एक बहुत बड़े वकीलों के वर्ग ने, सामान्य वकील जो हैं, जो यंगस्टर है स्पेशली, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील है, हाई कोर्ट में भी जो सामान्य वकील हैं, उनकी आय में काफी ज्यादा गिरावट हुई है और आपातकाल की स्थिति आ गई। हर एक वर्ग के साथ ऐसा हुआ है, केवल अधिवक्ता समाज के साथ ऐसा नहीं हुआ। जो रियल एस्टेट के बिजनेस में थे, जो बिल्डर थे, उनके साथ भी बहुत बड़ी चोट पहुंची है, जब उनको, वो भी सनाढ्य वर्ग था, लेकिन आजकल चूंकि काम नहीं है तो सब लोग मुसीबत देख रहे हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आई हुई, तो जो आप वीडियो का जिक्र कर रहे हैं,
वो बहुत ही अच्छी मंशा से बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार में राशन के पैकेट्स वकीलों के लिए भिजवाए थे, तो मेरे अनुसार वो थोड़ा मिसहैंडल हो गया और वहां पे वकील राशन लेने संख्या में पहुंच गए, तो एक तो सबसे बड़ी इनको लाइन में लगना पड़ा, दूसरा सामाजिक दूरी जो है वो नहीं बनाई गई, तो वो थोड़ा मिसहैंडल हो गया मेरे अनुसार। और इसका ये जो अनुभव रहा है उसको देखते हुए कुछ कोरियर एजेंसीज को एंगेज करके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली अगर ये राशन के पैकेट वकीलों के घर पहुंचा देती जो मांगता, तो ये स्थिति थोड़ी बढ़ सकती थी। लेकिन हम एक संघर्षशील वर्ग के लोग हैं, तो हम संघर्ष करते रहेंगे और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि इस महामारी से हम अच्छी तरह निकल जाएंगे और ये आपातकाल की स्थिति जल्द ही ठीक हो जाएगी। नहीं, निश्चित रूप से ये आपातकाल की स्थिति जल्द ही ठीक होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल ये उठता है और खास तौर से जब वकील वर्ग ऐसा समाज जो बहुत संभ्रांत समाज माना जाता है, ठीक है कुछ लोगों को काम नहीं मिलता है, कुछ को ज्यादा काम मिल जाता है, लेकिन वहां सामूहिकता का बोध जो दिखना चाहिए, जो इस समय नजर आना चाहिए, क्या वो नजर आ रहा है? क्या बड़े वकीलों ने उसमें सहयोग देना देने की जो इच्छा थी वो जागृत हुई, और क्या वो नीचे तक पहुंच पा रही है सहायता? देखिए, मैं आपको ये जानकारी साझा करूं कि बड़े वकीलों ने भी अच्छी तरह डोनेशंस दी हैं बार एसोसिएशन, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मैं बात करता हूं, बाकियों का मुझे नहीं पता। डोनेशंस मिली और हमने एक एक्स ग्रेशिया की स्कीम निकाली जिससे जो नीडी वकील हैं ऑन केस टू केस बेसिस हमने उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स भी सुचारू रूप से इस दौरान किए। दूसरा, ये न केवल वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने और अधिवक्ताओं ने और बड़ी लॉ फर्मों ने, हाई कोर्ट के कई जजेस ने भी हमें डोनेशन दी। हाई कोर्ट के कई जजेस ने भी वकील समाज के लिए, ताकि उनको हम एक्स ग्रेशिया या मेडिकल हेल्प या फाइनेंशियल एड हम दे सकें केस टू केस बेसिस पे, तो जजों ने भी डोनेशन दी, वो भी आ गया है। तो हम काफी कुछ कर पाए हैं। हमने एक जो कोरोना की वजह से जब सारे परिवार चपेट में आ गया और घर पे खाना बनाने की सुविधा नहीं रही, तो हमने एक स्कीम निकाली हुई है कि हम कुरियर के द्वारा के माध्यम से ऐसे वकील जो हमें ईमेल करते हैं उनको हम कुरियर के माध्यम से बिना शुल्क के घर का खाना भिजवाते हैं। हमने कई एजेंसीज ऐसी एंगेज कर रखी हैं। तो जहां तक संभव है, पूरा तो हम संभव नहीं कर पाते क्योंकि साधनों की कमी होती है, लेकिन जहां तक संभव है, अधिवक्ता समाज ने सामूहिक होकर और एक दूसरे का ख्याल रख के काफी एक दूसरे की मदद भी की है, ऐसी बात नहीं है। जिस राशन की मैं बात कर रहा हूँ वो भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का की पहल है। न केवल ये, 50,000 तक उन्होंने राशि भी एक्स ग्रेशिया की है, उन्होंने इंश्योरेंस की स्कीम्स भी चलाई हैं। तो जैसा अपेक्षित होता है एक एक समाज से, अधिवक्ता समाज ने एक दूसरे की खूब मदद की है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मदद कितनी होगी वो तो साधनों के ऊपर निर्भर है, साधन तो सीमित ही हैं। और ये जो अवधि है बहुत ज्यादा लंबी हो गई, अब हम 1.25 साल की तरफ आ गए हैं जब से सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा, तो थोड़ी तंगी है, लेकिन सुबह कभी तो आएगी, निश्चित रूप से सुबह कभी तो आएगी। क्या आप इस योजना का खुलासा करना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों को जो आर्थिक सहायता दी गई है, या राशन, जैसे राशन उसमें 600-800 रुपए का जो भी एक सामान आप देने की बात की गई थी, वो सब पे पहुंच पा रहा है, या और भी किस तरीके की सहायता दे रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक डेजिग्नेटेड ईमेल पोर्टल खोला था जिसमें लोग अपना आवेदन करते हैं, उस आवेदनकर्ता के आइडेंटिटी को सार्वजनिक नहीं किया जाता, और हमारी कमिटी जो है वो बैठ के हर हफ्ते निर्णय लेती है कि जी किसको कितना देना, राशि देना, सहायता करना उचित रहेगा। तो ये केस टू केस बेसिस पे ही होता है, और क्योंकि हमारे समाज के लोग हैं, हमें ये पता होता है कि कौन किसको ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है और किसको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम उस हिसाब से
10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये अगर किसी की हॉस्पिटलाइजेशन हो गई है या पूरा परिवार चपेट में आ गया है, तो हम 50,000 तक भी हमने राशि उनको एक्सग्रेशिया दी है। और ये काम चलता रहता है, ये कंटिन्यूस काम है और हम इसको करते रहते हैं जब तक ये स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना तो अब जाने की स्थिति में नहीं लगता है, नहीं इन द सेंस साइंसिस जो कह रहे हैं कि किसी ना किसी रूप में सामने आ सकता, हो सकता है 2-4 महीने काम हो फिर कुछ हो जाए, तो क्या ये भी एक तो ये है कि सरकार से क्या अपेक्षा रही है, सरकार ने इसमें कितना आप लोगों को सहयोग दिया है या उनसे क्या आपने डिमांड की है ताकि ये सरकार ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है उसको दिल्ली सरकार ने, अब मैं मुझे राशि याद नहीं, काफी पैसे दिए थे ताकि वो नीडी वकीलों को सहायता कर सके उनकी। लेकिन सरकार जो है वो सारे वर्गों को और सारे समाज को देखती है, वो केवल अधिवक्ता समाज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उसके लिए डॉक्टर फ्रंटलाइन पे जूझ रहे हैं वो भी हैं, उनके लिए पैरामेडिक्स भी हैं, उनके लिए बिजनेसमैन भी हैं। तो सरकार ये हम अपेक्षा करेंगे कि सरकार खाली अधिवक्ता समाज पे ही फोकस करे वो अनुचित होगा। लेकिन सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी अधिवक्ता समाज की मदद की है, कोर्टों ने भी हमें मदद की है। हमारे यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में और कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वैक्सीनेशन ड्राइव भी हो रहे हैं, जब लोग वैक्सीनेशन के लिए तरस रहे हैं तो हमारे यहाँ सुचारू रूप से 30-40 टीके वकीलों को रोज लग रहे हैं और ये सरकार ने मुहैया कराए हैं कोर्ट प्रशासन के माध्यम से। तो संसाधन फिर मैं कहूँगा कि कम है, एक अनार है और 100 बीमार। तो जिस तरह की सहायता पर्याप्त हो वो तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये कहना कि जी सरकार ने हमें बिल्कुल ही अपने हाल पे छोड़ दिया है ये भी कहना उचित नहीं होगा। अमिताभ जी, ये अभिजीत जी ये बताइए कि आपने इतना सब कर रहे हैं आप लोग, लेकिन मैं फिर उस बात पे आऊंगा कि भविष्य की स्थिति ना होने पाए, क्या कोई ऐसी स्कीम बनाने के लिए कोई योजना बन रही है जिसमें जो एक वर्ग जो थोड़ा संपन्न हो जाता है या जो और ज्यादा कर सकता है वो लगातार उसमें एक फंड बनाए और एक फंड बनाने के लिए की दिशा में काम किया जाए ताकि भविष्य में अगर कभी कोई ऐसी स्थिति होती है जी तो आप उसको ठीक किया जा सके। आपने बिल्कुल ही एक उचित मुद्दा उठाया है, बल्कि ये विचाराधीन है और हम थोड़ी स्थिति सामान्य होते ही जब हमारी कमेटी मिल पाएगी तो हम एक पैंडेमिक रिलीफ फंड जो है दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पैंडेमिक रिलीफ फंड बना रहे हैं जो केवल वॉलंटरी डोनेशन के माध्यम से उसमें एक कॉर्पस इकट्ठा होगा और जहां तक हो सकेगा, जब तक हो सकेगा, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, हम अधिवक्ता समाज की सहायता करते चले जाएंगे। हम कर्तव्यबद्ध हैं इस काम के लिए और ये काम बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं पैंडेमिक रिलीफ फंड का डेजिग्नेटेड अकाउंट होगा, उसमें हम लोग खुद और जो संपन्न हैं और जो इच्छुक हैं अधिवक्ता वो उसमें डोनेशन देंगे और हम केस टू केस बेसिस पे हम अधिवक्ता समाज की सहायता करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो वकील नए इस लोग उसमें आ रहे हैं, प्रोफेशन में आ रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको क्या सलाह होगी कि वो इस स्थिति से भविष्य में ना गुजरें, ये समाज ना गुजरने पाए, ये वर्ग आपका ना गुजरने पाए, क्या करना चाहिए उन्हें खुद? मैं ये जो अनुभव रहा है काफी कटु अनुभव रहा है और अचानक से ही इतने व्यापक रूप से फैल गया तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, तो इस समय इसके पहले प्लानिंग करना तो संभव था। लेकिन इसके अनुभव पे मैं अपने वकील साथियों को यही कहूंगा कि जी फालतू खर्च ना करें लग्जरी गाड़ियों पे, एक्सपेंसिव छुट्टियों पे, इस समय कुछ फालतू खर्च ना करके बचा लें। एक रुपया बचाना भी एक रुपया कमाने के बराबर होता है। तो अंत में
बार एसोसिएशन आपके काम आएगी, सरकार भी आपके काम आएगी, आपके वरिष्ठ अधिवक्ता भी आपके काम आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा काम जो आदमी आ सकता है वो अपने ही काम आ सकता है, अपने घर वालों के काम आ सकता है। तो इस समय फिजूल खर्ची ना करके केवल जो जरूरी चीजें हैं उन पर खर्ची की जाए, और अपने हद से हद हो सके तो अपनी सेविंग्स बरकरार रखिए, वो आपको हमेशा एक अच्छे साथी की तरह वो हमेशा काम आएगी। क्योंकि आप कुछ जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि अचानक से मेडिकल एक्सपेंस भी बहुत आ सकता है, तो अपनी इंश्योरेंसेस लेके रखें, मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखें, और अपने थोड़ा बैंक अकाउंट में भी एक अच्छा बैलेंस कोशिश करने के रहे, और फिजूल खर्ची से बचें। ये जो आप कॉर्पस फंड बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या सिर्फ हाई कोर्ट के स्तर पर हो रहा है, या नीचे लोअर कोर्ट के भी स्तर पर हो रहा है, या क्या या दिल्ली समूह के पूरे सभी वकीलों वकील साहिबान की तरफ से हो रहा है, किस तरीके से बन रहा है? मैं तो केवल अपनी बार एसोसिएशन जो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसकी बात आपको बता सकता हूँ जी, लेकिन मुझे ऐसा जानकारी है कि हर एक बार एसोसिएशन कोई ऐसा फंड बनाने का विचार कर रही है, और नहीं कर रही तो आपके माध्यम से मैं उनको अपील करूंगा कि ऐसा जल्द से जल्द एक फंड तैयार करें। अभी ये फंड किस स्थिति में, मतलब उसकी रूपरेखा किस स्थिति में पहुंची है, और क्या उम्मीद करना चाहिए कि कब से वो सक्रिय रूप से काम आने वाले शनिवार तक हमारा डेजिग्नेटेड अकाउंट बन जाएगा, और उसमें एक डेजिग्नेटेड ईमेल पोर्टल भी आ जाएगा, तो जो आवेदन करेंगे उनको सहायता दी जाएगी उसमें से, और जो हम इनिशियली उसमें कम से कम 75-1 लाख रुपए उसमें बार एसोसिएशन की तरफ से शुरू करने के लिए हम उसमें रखेंगे, और फिर अपील करेंगे अपने वरिष्ठ अधिवक्ता समाज से और जो संपन्न अधिवक्ता हैं कि उसमें दिल खोल के अपने डोनेशंस दें, ताकि हम उसका उपयोग सदुपयोग कर पाए। जी निश्चित रूप से, और हम ये आशा रखते हैं कि ये कार्यक्रम और ये आपकी योजना वकीलों के लिए बहुत लाभदायक होगी, और जिस जो स्थिति है, जो तस्वीरें हमें पूर्व में देखने को मिली, वो भविष्य में भगवान न करे किसी भी वर्ग के समाज के, और खास तौर से पढ़े लिखे वर्ग के समाज को देखने पड़े, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब के श्री को इतना समय दिया और हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला। शुक्रिया सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा साक्षात्कार लिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।